हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम लोग अन्ना के साथ तमिल में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। पता है कौन सा? मौसम और दिन, ये तो हमें जानना ही चाहिए। तो अन्ना, वणक्कम। अन्ना वणक्कम। वणक्कम माय डियर ब्रदर्स, वणक्कम माय डियर सिस्टर्स। दिस टॉपिक एज फार एज वी आर कंसर्न, एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर लर्निंग ए लैंग्वेज, है ना फ्रेंड्स? यू अग्री विद मी? So every topic is equally important. Today, for a change, we are going to present you what is time, whether it is morning or early morning or evening or night, and followed by seasons, whether when it is so hot. Abhi, we are in December, we have come to February, now slowly the winter is passing out. Hana friends, we are going to face very very hot summer. So it is important and essential to know the seasons. Okay friends, so we are going to present you. Be alert, enjoy the session, take your book and start noting down. Okay friends, we'll start. Anna, बहुत जरूरी है जानना। Anna, sun, जिसे हिंदी में सूरज कहते हैं, उसे तमिल में क्या कहेंगे? Sun, सबसे important है friends, sun. Sun का बिना कुछ नहीं होता है ना, whole universe, whole world, whole earth is depending on that sun. सूर्यन, 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 सूर्यन। तो मैं अन्ना यहाँ पे लिख देती हूँ सूर्यन, ताकि उन लोगों को आसानी भी हो जाए। यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ सूर्यन, yes. या हिंदी में लिखा है, तो जिसको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे, yes. अन्ना ने जैसे कहा आप उसको नोट करते जाइए, yes, नोट करते जाइए फ्रेंड। सूर्यन लाइट देता है, लाइट देता है ना, सब कुछ देता है सूर्यन, यस। अन्ना, चांद को क्या कहेंगे? जिसे अंग्रेजी मून कहते हैं, चांद, चांद, मून। फ्रेंड्स, इट इज वेरी सिंपल इन तमिल, सूर्यन, चंद्रन, 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 अच्छा, चंद्रन, नीला इज अनदर वर्ड, नीला, नीलावु इज अनदर वर्ड, अच्छा अच्छा, नीलावु भी बोलते हैं, यस यस। फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, सूर्यन, मून इज चंद्रन और नीलावु और नीला, वेरी सिंपल। अच्छा, तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही आसानी हो गया। सूर्य तो हम लोग बोलते हैं, तो सूर्यन, फिर चांद या चंद्रमा तो हम लोग बोलते हैं, तो चंद्रन, तो बहुत मिलता जुलता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चंद्रन याद कर लेंगे, कि धीरे धीरे नीला और नीलावु, ब्लू मून बोलते हैं ना, ब्लू मून, नीला, तो उससे याद कर लेंगे, नीला और नीलावु। फ्रेंड्स, मून इज सॉफ्ट, हाँ, तो देखिए नाम भी ऐसा ही है, नाम नीला, भी ऐसा ही है, नीलावु, हाँ, ये सूर्यन इज पावरफुल, सूर्यन, हाँ, चंद्रन, बिल्कुल। अन्ना, सुबह को क्या बोलेंगे? मॉर्निंग, सुबह। दीपा जी, मॉर्निंग, मॉर्निंग, कालई, वेरी इजी, कालई। अच्छा, एक वीडियो में आपने पहले भी बताया था ना, कालई मालई, यस, अच्छा अच्छा, कालई, सुबह, कालई, कालई, टू लेटर्स, अच्छा अच्छा। अन्ना, ये हम कह रहे हैं सुबह आऊंगा, बस केवल इतना बताना, सुबह आऊंगा, तो क्या बोलेंगे? हाँ, काले वरुवेन, वरुवेन, काले वरुवेन। तो फ्रेंड्स, आज तो हम लोग सिर्फ नाम सीख रहे हैं, लेकिन एक यूज सीख लीजिएगा, कि हम लोग बहुत बार बोलते हैं सुबह आऊंगा, शाम को आऊंगा, तो सुबह आऊंगा काले वरुवेन, शाम को आऊंगा माले वरुवेन, ठीक है? वरुवेन शब्द जो है ना, बिल्कुल इसे अपने दिमाग में डाल लीजिए, मैं तो डाल ही ली हूँ। अन्ना, ये बहुत हमें बोलना है भोर, अर्ली मॉर्निंग, जिसे हिंदी में भोर कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? हाँ, कुछ लोग आदत है अर्ली मॉर्निंग उठना, अर्ली मॉर्निंग फ्रेश अप करके वॉकिंग जाना, वॉकिंग जाना, अर्ली मॉर्निंग। फ्रेंड्स, इट इज अधिकाले, काले, अधिकाले, अधिकाले, यस, अच्छा अच्छा अच्छा, काले इज मॉर्निंग, अधिकाले अर्ली मॉर्निंग, अच्छा भोर, हाँ, अधिकाले। फ्रेंड्स, यदि हमें बोलना है, किसी को बताना है भोर में आऊंगा, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे? अधिकाले वरुवेन, एकदम वरुवेन आज याद रख लीजिए, ठीक है? अधिकाले वरुवेन मतलब भोर में आऊंगा, ठीक है? अन्ना, यदि हम कह रहे हैं भोर में उठा, अर्ली मॉर्निंग जगा, तो गेट अप, गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग, हाँ हाँ, अधिकाले एळु, 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 अच्छा एळु, हाँ, अधिकाले एळु, अच्छा, ऐ गेट अप एळु इन द मॉर्निंग, हाँ, नान अधिकाले एळुवेन, अच्छा एळुवेन, नान अधिकाले एळुवेन, वेरी सिंपल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, मैं लिख दी, आज मैं सुबह भोर में उठी, नान अधिकाले एळुवेन, मतलब आज मैं भोर में उठी, बहुत बढ़िया। अन्ना, यदि हमें दोपहर के लिए बोलना है आफ्टरनून, उसे क्या बोलेंगे? दोपहर, आफ्टरनून, आफ्टरनून, नून, हाँ, दोपहर, दोपहर। फ्रेंड्स, इट इज वेरी सिंपल, मदियम, अच्छा मदियम, मदियम, अच्छा मदियम, इट इज इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ जॉइंट वर्किंग, इट इज अ लंच ब्रेक, दैट इज मदियम, अच्छा मदियम, मदियम, लंच के लिए बोलते हैं फ्रेंड्स, मदिय सापाड़, अच्छा मदिय सापाड़, मदिय सापाड़, अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, हमने लंच कर लिया, तो मदिय सापाड़ हो गया, मतलब है ना, यस, मदियम, नून इज मदियम, अच्छा मदिय सापाड़, सापाड़ मतलब तो लंच होता है, तुम लोगों को मालूम चल ही गया, तो मदिय सापाड़ मतलब
एक तरह से दोपहर का खाना हो गया लंच, यस मदिया दोपहर का खाना, दोपहर खाना। फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आसानी हो जाए, दोपहर का खाना, ठीक है। देखिए दोपहर का खाना, ठीक है। मध्य सापाड़ो, मध्य दोपहर, हिंदी में मध्याह्न बोलते हैं, तो हम लोग के लिए आसानी हो जाएगा। इन फैक्ट मध्याह्न आल्सो इज देयर, मध्याह्न आल्सो इज देयर। अच्छा, मोस्ट कॉमनली यूज मध्यम। और शाम के लिए ना तो ही काले और माले बता देते, एक और भी ना शाम के और क्या बोलते, माले के अलावा, माले के अलावा शाम को सायंकालम। अच्छा अच्छा, इवनिंग शाम। अच्छा, इन तमिल इट इज माले और सायंकालम। सायंकालम, यस। अच्छा, सायंकालम। अच्छा, सायंकालम। फ्रेंड्स सायंकालम इज इन मोर यूज इन प्रैक्टिस, पीपल से सायंकालम। अच्छा अच्छा, सायंकालम ज्यादा यूज है। तो अन्ना सायंकाल तो हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पे सायंकालम है ना, सायंकालम। हाँ, माले यदि हमें बोलना है कि मैं शाम को आऊंगा तो फिर बोलेंगे सायंकालम वरवे, सायंकालम वरवे, सायंकालम वरवे। अच्छा, शाम को आऊंगा। अन्ना दिन को क्या बोलते हैं, डे जिसे बोलते हैं, डे। हाँ, दिन को क्या बोलेंगे, पहल। हाँ, पहल, डे टाइम, पहल। फ्रेंड्स इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, पहल, पहल। अच्छा, पहल, यस। डे को बोलेंगे पहल। देखिए फ्रेंड्स ऊपर में इंग्लिश में भी लिखा है, मैं नीचे हिंदी भी लिख देती हूँ, पता चल जाएगा, डे मतलब पहल। अच्छा, तो अन्ना यदि हम बोलना है कि फर्स्ट डे, तो फिर क्या बोलेंगे, फर्स्ट डे, मुदल नाल। अच्छा, मुदल नाल, वहाँ पर नाल बोलेंगे, नाल हो गया ये डे टाइम। अच्छा, डे टाइम दिन के लिए हो गया। अच्छा, तो सिर्फ पहल बोलेंगे। और रात के लिए, रात के लिए इरवु, इरवु, इरवु। अच्छा अच्छा अच्छा, इरवु, 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 इरवु मतलब रात होगा। तो फ्रेंड्स पहल इरवु मतलब दिन रात। यस, तो अन्ना यदि हम बोलेंगे ना कि मैं दिन रात काम करता हूँ, तो उसे क्या बोलेंगे, मैं दिन रात काम करता हूँ। हाँ, रात्रि पगल वेल से। अच्छा, फिर उसके लिए वो हाँ इरवु यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स बस कल आज लोग नाम जान लेते हैं, इरवु बोलते हैं। टाइम स्टार्ट्स विद द सन, सूर्यन। सूर्यन का अपोजिट क्या हो गया, मून, चंद्रन, चंद्रन, हाँ। चंद्रन, निलवु, निला। ओके फ्रेंड, मॉर्निंग काले, इवनिंग माले और सायंकालम, नून, वेर व्हेन वी टेक लंच, नून, मदियम, मदियम। पहल का अपोजिट इरवु हो गया, हाँ, डे नाइट, पहल इरवु। ओके फ्रेंड, अब मिडनाइट को क्या बोलेंगे, यूपी or Mumbai, wherever we live, season is very important, we should know. So friends, to start with, or Subah ke, to start with, we'll take a most pleasant season, that is spring. Basant, jise Hindi mein bolte hain, Subah Shantri. Most pleasant season hai, friends, spring, uske saath hum log start karenge, shuruaat karenge. That is Vasanta Kalam. Achha, Vasanta Kalam, Vasant Ritu ko Vasanta Kalam. Yes, Vasanta Kalam. Kalam, Ritu. हिंदी में वसंत ही बोलते हैं, हाँ, लेकिन हिंदी में बसंत बोलते हैं, वसंत बोलते हैं, तमिल में वसंत बोलते हैं, वसंत बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जान लीजिए वसंत ऋतु को वसंत कालम। हाँ फ्रेंड्स, हाँ, एज अ टाइटल, सीजन, सीजन, पर्व कालम, पर्व कालम, यस फ्रेंड्स, देखिए पर्व, पर्व कालम। अच्छा, पर्व कालम, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख भी देती हूँ, यस, हमारे फ्रेंड्स के लिए इजी हो जाएगा। पर्व कालम, पर्व कालम इज इक्वल टू सीजन, मौसम, कोड़े कालम बोलने में भी थोड़ा साफ लगेगा, सॉफ्ट लग रहा है, कूलर, कूल कूल से याद आ जाएगा, इसको याद करना बहुत इजी है, ठंडा ठंडा, कूल 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 से कूलर, कूलर कालम, इसको तो बहुत अच्छा है, याद करना चाहिए, कूलर कालम, ठीक है। Autumn, friends, where, you know, the leaves starts falling from the trees. Autumn, leaf, ilai. Ilai. Falling down, udirum. Achha, achha, achha. Deepaji, ilai udir kalam.
Rain. मलई कालम मलई yes. तो इसमें मानसून अच्छा वो मलई थर्ड एल है क्या हाँ पड़म पड़म वाला तो फ्रेंड्स वो हम लोग मानसून इस मलई कालम अच्छा तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर भी आके फ्रेश चुके हैं मलई ये वही वाला है हम लोग कई बार देख चुके हैं इसको ये वाला यहाँ पे थर्ड एल का यूज करना है पड़म वाला पड़म मलई कालम मलई कालम फ्रेंड्स हाँ मलई कालम ठीक है और बारिश बारिश को क्या बोलेंगे बारिश फ्रेंड्स दैट इज फंडामेंटली वी शुड नो व्हाट इज मलई रेन मलई बारिश इन हिंदी इट इज सबल दैट रा व्हिच कम्स इन पड़म मलई कालम अच्छा तो तुम मलई ही बोलेंगे ना बारिश के लिए मलई 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 बारिश मलई फ्रेंड्स मलई कहां से आता है फ्रेंड्स मलई कहां से आता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेन क्लाउड बिल्कुल हां उसको तो जानना ही है ना क्लाउड क्लाउड को क्या बोलेंगे क्लाउड हाँ क्लाउड के लिए हाँ बादल हो गया हिंदी में बादल हाँ दीपा जी हाँ मेहम मेहम यस अच्छा 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 हाँ, मेहम मेहम तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही आसान हो गया हम लोग क्योंकि मेघ तो हिंदी में बोलते हैं अच्छा मेघ हिंदी में बोलते हैं ब्यूटीफुल मेहम मतलब बादल अच्छा मेहम मेहम मतलब बादल हो गया ठीक है और बहुत बिजली चमकती है गरजना बिजली गरजना मेहम क्लाउड्स आर हिटिंग अगेंस्ट ईच अदर Yes, clouds are bit hitting against each other. They are passing by. What happens, friends? Lightning. Lightning, you know, a big flash of light comes. Lightning, friends, that is beautifully named in Tamil. Minnal. 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 बोलने में बहुत अच्छा लगा. Yes, yes. Minnal. फ्रेंड्स देखिए मिन्नल कितना अच्छा लग रहा है बोलने में जैसे हम लोग बोलते हैं बिजली चमक रही है yes. तो मिन्नल तो अन्ना यदि मान लीजिए बिजली चमक रही है हम लोग कैसे बोलेंगे उसको बिजली चमक रही है तो क्या बोलेंगे उसको मिन्नल अड़िकिदे अड़िकिदे मिन्नल अड़िकिदे अड़िकिदे फ्रेंड्स ये तो याद मिन्नल अड़िकिदे दीपा जी इसको ज्यादा से ज्यादा पोएट्स यूज करते हैं मिन्नल बिजली चमक रही है फ्रेंड्स याद रखिए मिन्नल तो ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है नॉर्मली एज एग्जांपल देके जैसे स्पीड के लिए लाइटनिंग स्पीड लाइटनिंग स्पीड हां बिकॉज़ विद द सेकंड इट कम्स एंड गोस मिन्नल वेरी गुड बहुत अच्छा और बहुत बहुत चमकना लगता है ना बहुत बहुत थंडरिंग की आवाज आती है गर्जन फ्रेंड्स व्हेन क्लाउड्स आर यस हां गर्जन ईडी समर रेन होता है ना समर में रेन होता है वो सब ये सब होता है लाइटनिंग होता है थंडर होता है वेरी हार्ड यू नो पीपल यू कम आउट एंड एंजॉय द समर रेन वहाँ होता है थंडर ईडी लाइटनिंग मिन्नल मिन्नल अड़िकुदे इडी इडिकिदे फ्रेंड्स मजा आ रहा है ना इडी इडिकिदे मिन्नल इडिकिदे बिजली चमक रही है या फिर बिजली गरज रही दोनों के लिए यूज हो जाएगा अन्ना एक और चीज को बताइए फ्लड के लिए क्या बोलते हैं बाढ़ फ्लड के लिए फ्रेंड्स ज्यादा रेन हो गया बारिश ज्यादा हो गई तो क्या होगा बारिश ज्यादा हो गई तो क्या होगा फ्लड्स फ्लड्स तमिल में इट इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स वेल्लम वेल्लम वी ई एल एल ए एम वेल्लम सेकंड लॉ अच्छा वेल्लम यस तो फ्रेंड्स देखिए वेल्लम है वेल्लम अन्ना थोड़ा सा हमको याद आता है ना तेलुगु में इसको बेल्लम मतलब गुड़ होता है ना हाँ बेल्लम गुड़ होता है बेल्लम गुड़ होता है बेल्लम एक्सेस एक्सेस वाटर तेलुगु तो हम लोग जानते ही हैं बेल्लम से हम लोग थोड़ा उसको बेल्लम याद कर सकते हैं बाढ़ मतलब बेल्लम ये तो बहुत ही यूजफुल रहा अन्ना आज का वीडियो तो बहुत यूजफुल रहा सीजन के बारे में टाइम के बारे में ओके फ्रेंड्स नाउ यू आर एंजॉयिंग द लर्निंग एंजॉयिंग द लैंग्वेज फ्रेंड्स इट इज आवर एफर्ट्स आप भी एफर्ट डालिए हम लोग भी एफर्ट डालेंगे जब दोनों हाथ मिलता है ना तब जो है आवाज आता है ना फ्रेंड्स ये प्लीज एंजॉय रीडिंग नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग ओके फ्रेंड्स विश यू ऑल वेरी हैप्पी लर्निंग टिल देन व्हाट आई शुड से मीन्डम संदीपोम मीन्डम संदीपोम ओके फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स बाय बाय